नमस्कार साथियों, 2021 में एक कालर वाली शेरनी के नाम से फेमस हुई है, ये सुर्खियां बटोर रही है। क्यों? एनटीसीए क्या है? और विश्व के एक देश से कुछ चीते को ला करके भारत देश के एक नेशनल पार्क में बसाया जाएगा, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। साथियों, ये है इस प्रकार से भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश और ये दिल्ली। भारत देश के दिल्ली में एनटीसीए की स्थापना की गई है 2006 में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एजेंसी, ये भारत देश का सबसे बड़ा संगठन है जो भारत देश में जीव जंतु, पशु पक्षी, प्रजाति, जंगल के संपूर्ण प्रकार के जीव जंतु के ऊपर कंट्रोल करने का काम करती है, उनका मैनेजमेंट करने का काम ये संगठन करता है। साथियों, इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, ये है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश है। और साथियों, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है साउथ अफ्रीका। वही साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला का देश, या फिर वही अफ्रीका जहां पर महात्मा गांधी ने आंदोलन किया हुआ था, जब महात्मा गांधी ट्रेन से आगे की ओर बढ़ रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया के बीच जा रहे थे। इन दोनों स्टेशन के बीच में मैरिट्सबर्ग नाम का रेलवे स्टेशन था, जहां पर महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से उतार कर बाहर कर दिया था। और यही वो स्थान है जहां 1906 में महात्मा गांधी ने विश्व का सबसे पहला सत्याग्रह किया था। साथियों, साउथ अफ्रीका से देखेंगे इस प्रकार से मध्य प्रदेश का मानचित्र है छिंदवाड़ा, और यहाँ पर एक जिला, इसका नाम है श्योपुर जिला। साथियों, श्योपुर जिले में एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है पालपुर कुनो नेशनल पार्क। इस पालपुर कुनो नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका से 14 चीते को लाकर के बसाया जाएगा। इसके लिए साथियों, भारत देश की सरकार ने एनटीसीए को 14 करोड़ रुपए दे दिए हैं कि आप साउथ अफ्रीका से 14 चीते लाकर के पालपुर कुरो नेशनल पार्क में रखिए, उनका मैनेजमेंट करिए, सुख शांति समृद्धि प्राप्त करवाइए। इस प्रकार से एनटीसीए ने 14 चीते को लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सितंबर से अक्टूबर के महीने तक भारत देश में 14 चीते आ जाएंगे। साथियों, बात आई है चीते की, तो आपको पता होगा 1952 में भारत देश के चीते को विलुप्त प्राय प्रजाति में शामिल कर दिया था। विलुप्त प्राय का मतलब होता है जो संकट की ओर जा रहे हैं, जिनकी संख्या कम हो रही है, ये ऐसे स्थान को, ऐसे पशु पक्षी प्राणी को, जीव जंतु को विलुप्त प्राय प्रजाति घोषित करते हैं। कौन करता है घोषित? तो साथियों देखना, इस प्रकार से एक संगठन, ये जो ग्लोब है, ये भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के ग्लेड नामक स्थान पर आईयूसीएन की स्थापना हुई है 1948 में, जिसने काम करना 1954 में शुरू किया हुआ था। यह संगठन 2 प्रकार की लिस्ट तैयार करता है, आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं, या वीडियो आप अभी जाके सर्च करके देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक क्या है, कारण क्या है, और अध्ययन किस प्रकार होता है, यह संपूर्ण अध्ययन इसमें आपको मिलेगा। तो साथियों, इसकी एक होती है रेड डाटा बुक, एक होता है ग्रीन डाटा बुक। रेड डाटा बुक में 1954 में, 52 में भारत देश की सरकार ने आईयूसीएन के कहने पर रेड डाटा बुक में चीते को डाल दिए थे। और साथ में साथियों, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये गुजरात, और गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क में जब एशियन लॉयन पाए जाते हैं, इनकी संख्या भी कम हो रही थी, तो भारत देश की सरकार ने 2010 में गिर नेशनल पार्क में से लॉयन को हटा करके वहां पर चीते को रखने की अनुमति दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथियों, आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, ये है मध्य प्रदेश का मानचित्र छिंदवाड़ा, ये है सिवनी जिला। सिवनी जिले में पेंच नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ये भारत देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क है साथियों, पेंच, जिसको बेस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है, और मोगली लैंड के नाम से फेमस पेंच नेशनल पार्क ही है। साथियों, यहीं पर एक शेरनी है, इसका नाम है कालर वाली शेरनी। ये जो कालर वाली शेरनी है साथियों, इनने 2021 में 29 सावकों को जन्म दिया है, इसीलिए ये सुर्खियां बटोर रही है। साथियों, इसी प्रकार से एक और नेशनल पार्क है, इस प्रकार भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, ये है तेलंगाना राज्य। और तेलंगाना राज्य में एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है अमराबाद नेशनल पार्क।
अमराबाद नेशनल पार्क की क्या विशेषता है? तो साथियों, अमराबाद नेशनल पार्क एक टाइगर प्रोजेक्ट है। क्या होता है, जितने भी प्रकार के जीव जंतु है, पशु पक्षी प्राणी है, उन सबकी गणना हर 5-5 साल में भारत सरकार कर लेती है। तो साथियों, जिस प्रकार से जो अमरावत टाइगर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु है उनके वन विभाग के नॉलेज में रहते हैं। जिस प्रकार से हमारे घर में कितने जानवर है, कितने पशु है, कितने गाय भैंस बकरी है, उनने कितने बच्चे को जन्म दिया है, उतने पूरी गणना आपके सामने रहती है, आपको पता होता है। उसी प्रकार से अमराबाद टाइगर प्रोजेक्ट यानी जितने भी नेशनल पार्क है, टाइगर प्रोजेक्ट है, सभी में कितने कितने बाघ है, टाइगर कितने हैं, इन सबके बारे में वन विभाग को पता होता है। लेकिन अभी हाल ही में टाइगर प्रोजेक्ट अमराबाद में 14 बाघ नए आए हुए हैं जिनकी गणना भारत सरकार ने नहीं की हुई थी। तो वन विभाग को 14 बाघ की गणना क्यों नहीं की गई है, 14 बाघ कहां से नहीं आ गए हैं, इसके लिए ये भी अमराबाद टाइगर प्रोजेक्ट भी सुर्खियां बटोर रहा है। साथियों, बात आई है टाइगर प्रोजेक्ट की, तो आप सभी को पता होगा भारत देश में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और भारत देश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट, इस प्रकार से भारत का मानचित मध्य प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड है और जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट था। 1935 में जिम कार्बेट की स्थापना हुई थी, जबकि टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में घोषित हुआ था। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में कान्हा किसली नेशनल पार्क को बनाया गया था। साथियों, उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को आगे बढ़ा देना चाहिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना चाहिए। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।